हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी बिहारी रसोई। आप सभी को मेरी बिहारी रसोई की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिरंगा नीड डोसा। इसे बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तिरंगा नीड डोसा के लिए मैंने लिया है एक ग्रीन कलर का पालक, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। ये 7 से 8 पालक के पत्ते हैं। ऑरेंज कलर करने के लिए मैंने 2 रेड चिली लिए हैं मोटे वाले, और 1/2 ऑनियन, थोड़ा से 1/2 टीस्पून धनिया और 2 गार्लिक की कलियाँ। इस सबको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और इधर ये राइस है, मोटी वाली राइस है, डोसा राइस, इसको हमने ओवरनाइट भिगोया था। ये हमारे कोकोनट है, इसको हमने ऊपर का छिलका हटा लिया है। अब हम इसको पतला पतला पीसेस कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे पीसेंगे तो थोड़ा सा पतला रहेगा तो जल्दी पीस जाएगा। देखिए सारे कोकोनट पतले हो गए। अब हम इसको 3 भागों में बांट देंगे। 3 भाग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे 3 कलर में बनाना है। तो एक बार ऑरेंज कलर का पेस्ट बनाएंगे, एक बार ग्रीन कलर का, एक बार व्हाइट। अभी मैं इसमें चावल डालूंगी, चावल का भी हम 3 भाग करेंगे क्योंकि 3 बार हमें मिक्सी चलाना है 3 कलर के लिए। ये हमारा 1.5 कप राइस है, हम 1/2 कप ही इसमें डाल रहे हैं। देखिए 1/2 कप हमारा हो गया। अभी हम इस सबको डाल देंगे क्योंकि हम इसे ऑरेंज कलर बनाएंगे। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और इसमें एकदम बारीक पीस लेंगे। देखिए हमने इसे पीस लिया है, देखिए कितना पतला हुआ है, हमें ऐसा ही चाहिए। नीर मतलब होता है पानी, तो हमें इसे पानी की तरह रखना है। अब हम इसमें पलट लेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसी तरह से हम ग्रीन कलर का भी पीसेंगे। अब मैं अपना ग्रीन कलर का बैटर भी बना लूँगी। अब इसमें राइस डालूँगी, ये पालक हमने इसको बॉयल किया था, कोकोनट, 1 ग्रीन चिली, पानी डालेंगे। अब उसको महीन पेस्ट बनाएंगे। हमने अपना ग्रीन कलर का भी बैटर बना लिया है, इसे भी पलट लेंगे। देखिए कितना लिक्विड अच्छा हुआ है। अब हम व्हाइट कलर के लिए अपना बैटर बनाएंगे, तो इसमें हम राइस डालेंगे, ये 2 स्पून कोकोनट है, इसमें पानी डालूंगी और इसको पीस लेंगे। देखिए हमने अपने व्हाइट कलर भी पीस लिया है, अब इसे भी हम निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तिरंगा बैटर रेडी है। अब हम तीनों में सॉल्ट डालेंगे, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। तीनों को मिक्स करेंगे, अच्छे से सॉल्ट मिक्स हो जाए। अब बैटर हमारा नीचे बैठने लगता है, ऊपर पानी पानी होता है। हमें बैटर जब भी डोसा के लिए डालना होगा तो पहले इसको अच्छे से चला लेंगे, फिर डालेंगे। देखिए हमारा डोसा पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसे पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसको क्लीन करेंगे। पानी डाल के क्लीन करने से हमारा थोड़ा ये डोसा पैन ठंडा हो जाता है, तो फिर हम इस पर बैटर डालते हैं। बैटर डालते वक्त हम थोड़ा सा फ्लेम को कम करेंगे। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे, फ्लेम को बढ़ा देंगे। हमारा डोसा पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर से हम इसको थोड़ा पानी से स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे से निकल गया, वाव।
देखिए फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा नीड डोसा बनके तैयार है। इसे आप भी बनाइए, यह बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होगा। देखिए देखने में कितना अच्छा इसका लुक आया है। इसके हमने बिल्कुल नेचुरल कलर में बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।